कांग्रेस धर्मशाला से अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं दे पा रही है। वहीं धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को धर्मशाला से खुद चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। सुधीर शर्मा ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगठन की ऐसी हालत कर दी है, आज इन्हें ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर की जो परिस्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर शोध कर रही है कि भाई किसको चुनाव में उतारा जाए, और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से रवैया रहा है और लगातार मुझ पर हमलावर रहे हैं, यही सरगना, इसी ने अटैची बांटे, ये ज़्यादा खा गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तथ्य कोई है नहीं, खुद ही लड़ लें और बता दें सबको कि भाई मैंने खुद लड़ करके दिखाया है, तो ये मैंने कहा है उसमें। और दूसरा, लगातार जो भ्रष्टाचार इस सरकार का रहा है पिछले 15 महीने में, चाहे वो स्क्रैप माफिया हो, चाहे शिमला की जो पानी की स्कीम है उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे अनेक मामले हैं, 118 के कई मामले हैं, और आजकल तो माइनिंग डिपार्टमेंट से एक अधिकारी फ़ोन करता है क्रशर वालों को कि भैया 5-5 लाख रुपये दो, चुनाव आ गया, उसकी रिकॉर्डिंगें हैं, जनता के सामने आएंगी, बजेंगी, और जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसे आदेश आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनता के सामने हैं, इसीलिए मैंने इस प्रकार का जो है आज एक जब मेरी बात हो रही थी कहीं तो मैंने प्रेस के माध्यम से ये कहा है। धर्मशाला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।